मैं डियाना बेग हूँ। और आज हमारा 4th ODI था जो कि हम लोग जीते हैं। तो आज जिन्होंने परफॉर्म किया था तो मैं आज उनसे बात करूंगी कि उन्होंने क्या किया आज और किस माइंडसेट से वो आज खेल रहे थे। तो सबसे पहले मैं उमायमा से बात करूंगी। जी उमायमा, आप बताएं कि आपने आज दूसरी 50 की इस सीरीज़ की, तो क्या था और लास्ट मैच में आप रन चेस करते हुए आप आउट हो गई थी और आपने एक तरह से छोड़ दिया था, तो टीम हम वो मैच लूज़ कर दिया था हम लोगों ने, तो आज आपने बिल्कुल फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट, तो आपके माइंड में क्या था? जी पिछले मैच का कहूँगी कि हम वो रन चेस नहीं कर रहे थे, हम टारगेट दे रहे थे। नहीं यार अच्छा अच्छा भाई तो अच्छा, खैर मैं कॉन्फिडेंट थी और पिछले मैच की इनिंग से और रिधम में भी थे, तो बस उसी को ही कंटिन्यू किया और सोचा था कि पीछे जब मैं छोड़ कर आई थी तो उसको आज मैं फिनिश करूँगी, एंड तक जाऊँगी ताकि एक हमारी ये सीरीज विन हमारे नाम हो। अच्छा चलें ठीक है। और आपने जो पार्टनरशिप की सिदर अमीन के साथ वो कैसी थी, आप लोग क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे अंदर और कितना प्रेशर था आज? वो पार्टनरशिप उस टाइम पे बहुत ज़रूरी थी लगनी, क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप की वजह से ये स्कोर एंड तक जा सकता था और हम यही बात कर रहे थे कि स्कोर अच्छा आ रहा है, हम पर ओवर 5-4, 5-4, 3 इस तरह से लेके जाते रहेंगे और जितना एंड तक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये और बैट बॉल्स को अवेल कर रहे थे और बाकी रोटेट पर जा रहे थे हम। तो चलो उमायमा, थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छा खेला और थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं नशरा सिंधु से जो कि हमारी स्पिनर है लेफ्ट आर्म। जी नशरा, आपने पिछला मैच आपने रेस्ट लिया था और दोबारा से आप पाकिस्तान ए, अच्छा पिछला मैच आपने पाकिस्तान ए से खेला था और अब आप पाकिस्तान टीम से खेल रही थी, तो कितना प्रेशर था वापस आना और परफॉर्म करना? प्रेशर तो नहीं था, लेकिन एक था कि आप पहले पाकिस्तान ए से खेली उसके बाद फिर दोबारा मेन टीम से, तो शुरू में तो ऐसा कोई अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, मज़ा भी नहीं आया। उसके बाद सेकंड स्पेल थोड़ा बेहतर हुआ जिसमें मुझे विकेट्स मिली। अच्छा तो क्या क्या सोच रही थी, अच्छा शुरू में क्या डिफरेंट था और सेकंड स्पेल में आपने क्या डिफरेंट किया कि आप वापस से आपने दोबारा कम बैक किया, क्योंकि शुरू के ओवर्स में आपको काफ़ी रन पड़े थे लेकिन दूसरे आपने जब स्पेल किया तो आपको बिल्कुल रन नहीं पड़े, तो आपने क्या चेंज किया था? चेंज तो कुछ नहीं किया, शुरू में बस जो करी थी ना वो हो नहीं रहा था और मेरे पास तो समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, फिर मैंने कहा अल्लाह ताला कर दे कुछ, उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बाद में भी सेम बॉलिंग कराई, लेकिन हो सकता है कि कुछ थोड़ा अच्छा हो गया हो, मैंने खुद कुछ नहीं किया, बस अच्छी जगह पे, यही शुरू में भी यही प्लान था कि अच्छी जगह पे बॉल फेंकूँ और लास्ट में भी यही था, बस वही शुरू में नहीं हुआ और उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाह के कम अज़ कम अगर नहीं भी हो रहा ना फिर भी अच्छी जगह पर फेंकी जाऊँ, अच्छी जगह पर बॉल कराई जाऊँ, फिर उसी वजह से शायद उसका रिजल्ट अच्छा है कि स्टिल मैंने वो चीज़ें कंटिन्यू करती रही, ना कि बस चेंज करना चाहा और उसकी वजह से मुझे लास्ट में भी वो बूढ़े ओवर हो जाते इस वजह से। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच नशा सिंधु, आपने हमसे बात की। ओके तो अभी हमारे साथ फातिमा सना है जो कि आज प्लेयर ऑफ द मैच बनी है और आज इन्होंने अपना करियर बेस्ट किया है जो कि 4 आउट किए हैं आपने, तो हाँ 30 रन ठीक है, तो आपने अपना आज आपका करियर बेस्ट था, तो कैसी फीलिंग है? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सपोर्टिंग स्टाफ जिनकी वजह से आज प्लेयर ऑफ द मैच मिला। अच्छा। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और अच्छा क्या था, मतलब आपने शुरू से ही का बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू से आज जिस तरह से आप रिदम में लग रही थी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, आपने बिल्कुल एक आपने अपने पार्टनर के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड की और उससे से आपको काफ़ी हेल्प मिला, तो क्या था मतलब, क्योंकि आप कुछ बताएं ना डिफरेंट। कोचेज ने बहुत सपोर्ट किया और वो थ्रू आउट एक ही चीज़ कह रहे थे कि हम कर सकते हैं, तो बस यही था कि करने के लिए पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी आपके साथ। अच्छा तो आपके साथ पार्टनरशिप लगाई बॉलिंग में और सामने से कंटेन हुआ तो विकेट्स मिली और ये काफ़ी अच्छा था कि हमारे मुताबिक विकेट थी, तो ये था कि उसका एडवांटेज यूज़ कर लेना था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा सना।